हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज स्टार्ट करने वाले हम अपना टॉपिक डेथ ऑफ अ पार्टनर में। क्वेश्चन नंबर 73 आज हम डिस्कस करेंगे। कौन सा क्वेश्चन नंबर 73, डेथ ऑफ अ पार्टनर, टीएस गरेवाल, सेशन 2018-2019 के लिए। राइट स्टूडेंट्स, तो आइए मेरे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। सब लोग अपने अपने बुक्स खोल लें और मेरे साथ साथ स्टार्ट करें एक बार फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 से पहले मैं आपको छोटा सा एक ब्रीफ बताने वाला हूं एक चीज के बारे में कि यहां जो क्वेश्चन है वो है उस पार्टनर का जो फर्म छोड़ के चला गया बहुत दूर। बहुत दूर मतलब कहां पर? अल्लाह के पास। हाँ थी ना, बिल्कुल। इसका मतलब वो बहुत दूर जा चुका है और उसका जितना भी हिसाब किताब बनता है फर्म के अंदर, फर्म चाहकर भी उसको तो नहीं दे सकती है क्योंकि वो तो बहुत दूर चले गए हैं। तो इसका मतलब जो डिसीज्ड पार्टनर होगा, जिसकी डेथ हुई होगी, उसका हिस्सा हम फर्म को किसी को तो पे करना पड़ेगा, और जिसको पे करना पड़ेगा वो एग्जीक्यूटर्स होते हैं, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। जो डिसीज पार्टनर जिसकी डेथ हो गई होगी तो उसके हक का पैसा उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलने वाला है, जिसको हम एग्जीक्यूटर बोलेंगे। हाँ कि ना? इसका मतलब फर्म की जितनी भी देनदारी होगी डिसीज पार्टनर की तरफ, वो पैसा डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर को हम लोग ट्रांसफर करेंगे। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे पुरानी चीजें होती थी, मान लो कोई जनरल रिजर्व है या पुरानी जो भी चीजें जो बाकी पार्टनर्स की हैं, तो डिसीज्ड पार्टनर का भी तो उसके अंदर रोल था कि नहीं था? बिल्कुल रोल था। क्या उसने भी तो मेहनत करी थी फर्म के लिए कि नहीं करी थी? बिल्कुल करी थी। तो उसका हक क्या उसमें होगा? बिल्कुल होगा। ये बात ध्यान रखना कि भले डिसीज्ड पार्टनर जिसकी डेथ हो गई है वो फर्म के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके हिस्से का जितना पैसा बनता है वो उसके एग्जीक्यूटर को मिलेगा ही मिलेगा। ये बात याद रहेगी? बिल्कुल याद रहेगी सर। आओ जरा क्वेश्चन स्टार्ट करें। अब देखो हमें थोड़ी सी आसानी होने वाली है, ठीक है ना। क्वेश्चन में लिखा है एबीसी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:2:1, ठीक है ना। पार्टनर्स के नाम है एबीसी, ए बी और सी, और उनकी रेशियो हमें दे रखी है 3:2:1, ठीक है। और उनकी बैलेंस शीट दे रखी है हमें 31 मार्च 2018 को, लाइबिलिटीज और असेट साइड आपके सामने है, ठीक है। उसके बाद बोला बी डाइड ऑन 30th June। देखो बुक्स कब क्लोज हो रही है? बुक्स क्लोज हो रही है यहां, यहां मतलब कब? 31 मार्च 2018 को बुक्स क्लोज हो रही है। और बुक्स क्लोज होने के बाद भी वो, उसकी डेथ कब हो रही है? उसकी डेथ हो रही है यहां 30th June को उसकी डेथ हो रही है। किसकी डेथ हो रही है? बी की डेथ हो रही है। बड़े ध्यान से देखना किसकी डेथ हो रही है, बी की। तो खुद का बुक्स क्लोज होने के बाद भी वो फर्म के लिए कितने पीरियड के लिए जुड़ा रहा था? अप्रैल, मई, जून। तो कितने मंथ्स के लिए? हम कह सकते हैं 3 मंथ्स के लिए। बताओ हां कि ना? इसका मतलब बी जो कि फॉर्म में से जा चुका है, जिसकी डेथ हो चुकी है, वो इस पीरियड के लिए भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होने के बाद भी, उसकी डेथ क्योंकि 30 जून को ही है, तो बताओ फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ 31 मार्च को, तो अप्रैल, मई, जून 3 मंथ्स के लिए तो वो अभी भी फॉर्म के साथ था कि नहीं था? तो बताओ 3 महीने तक के लिए उसका जितना प्रॉफिट बनता है, खुद बताओ, फॉर्म नॉर्मली अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स साल के एंड में क्लोज करती है, उस दिन पीएनएल बनाती है और उसे अपना प्रॉफिट पता चल जाता है। लेकिन यहां जो एग्जीक्यूटर होगा किसका? बी का, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो कहेगा भाई बी की तो डेथ हो गई मान लो 3 महीने में ही हो गई, यहां की ना 30th June को उसकी डेथ होगी, इसका मतलब वो फॉर्म में कितने पीरियड के लिए रहा? 3 महीने के लिए। तो उसका एग्जीक्यूटर ये कहेगा भाई वो 3 महीने के लिए तो था, 3 महीने के लिए तो उसने काम करा था, तो 3 महीने का कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट बना ही होगा उसका, तो वो प्रॉफिट भी हमें दीजिए। मतलब बी का जो एग्जीक्यूटर होगा, या कह लो बी का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो ये कहेगा कि बी क्योंकि फॉर्म में 3 महीने के लिए तो था ही, तो 3 महीने का उसका जितना भी प्रॉफिट बनता है आप वो भी मुझे दीजिए। मतलब एग्जीक्यूटर वो सारी चीजें डिमांड करेगा जो कि बी की बनती होंगी फॉर्म के अंदर। ये बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, लिखा है द कैपिटल टू हिज क्रेडिट एट द टाइम ऑफ हिज डेथ एंड इंटरेस्ट देयर ऑन 10% पर एनम। अब मैं कुछ पॉइंट्स लिखूंगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट जो कि डिस्कशन का हमारा है, उसमें बोला हुआ है उसके अकाउंट में जो भी कैपिटल है क्रेडिट में, मतलब कैपिटल में बी की कैपिटल अगर आप देखोगे तो लाइबिलिटी साइड में बी की कितनी कैपिटल है? 1,20,000। बड़े ध्यान से देखना, बी की कैपिटल है 1,20,000, उस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब डीड के अंदर लिखा हुआ है कि जो भी पार्टनर ने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करे हुए हैं उसके ऊपर उसे क्या मिलने वाला है? इंटरेस्ट मिलेगा। तो बी का कितना पैसा क्रेडिट था एट द टाइम ऑफ हिज डेथ? तो लास्ट बैलेंस शीट में हमें दिख रहा है वो है, देखो जरा कैपिटल अकाउंट अंडर लायबिलिटी साइड, बी के खाते में दिख रहे हैं 1,20,000। तो 1,20,000 का
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 10%। लेकिन आप तो जानते हो कि अगर हम लोग बैंक से भी लोन लेते हैं तो बैंक को लोन के ऊपर इंटरेस्ट उतने ही पीरियड का पे करा जाता है जितने पीरियड के लिए हम लोगों ने इंटरेस्ट लिया होता है। तो बिल्कुल फॉर्म यहां पर बी को जो इंटरेस्ट पे करने वाली है, क्या वो पूरे साल का पे करने वाली है या जितने पीरियड के लिए वो फॉर्म में रहा, तो वो इस बार ही फॉर्म में कितने पीरियड के लिए था, 3 महीनों के लिए। तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 मंथ्स के लिए, इसलिए मैं 3/12 करूंगा। हाँ की ना, क्योंकि मुझे 3 महीने का उसे इंटरेस्ट देना है। इसकी कैलकुलेशन जब आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ₹3000। मतलब बी को जो पहला फायदा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम का, किसके नाम का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम का जो उसका पहला फायदा है वो उसके अकाउंट में क्रेडिट होने वाला है। हाँ, क्योंकि बी की कैपिटल ये बढ़ाएगा। हमेशा से आपको बताया गया, जब जब पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी, जब जब पार्टनर को फायदे होंगे, उसकी कैपिटल को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इसका मतलब पहली आइटम तो हमें समझ में आ गई जो कि उसको फायदा पहुंचाने वाली है बी को। हाँ कि ना, दूसरी बात दे रखी है कि भाई हिज प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ जनरल रिजर्व, मतलब जो भी जनरल रिजर्व है क्या वो सिर्फ ए का था और सी का था कि बी का भी था। बिल्कुल था, बी की मदद से भी वो रिजर्व बना था। और रिजर्व का अमाउंट कितना है जरा देखो फटाफट से, इसका अमाउंट है 1 लाख। जनरल रिजर्व कितने का है, 1,20,000 का है वो भी। और 1,20,000 में से उसका हिस्सा कितना है, 2/6, बताओ हाँ कि ना। तो अल्टीमेटली बी को कितना रिजर्व का हिस्सा मिलने वाला है, 40,000 का। ये तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं है, रिजर्व मिल जाएगा 40,000, बिल्कुल मिल जाएगा। अब आओ जरा आगे लिखा है, हिज पॉइंट नंबर सी की मैं बात कर रहा हूं, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स फॉर द इंटरवेनिंग पीरियड विल बी बेस्ड ऑन द सेल्स ड्यूरिंग दैट पीरियड। और इस पीरियड की जो सेल्स है वो हमें दे रखी है 12 लाख की। बड़े ध्यान से देखना वाला पॉइंट, बहुत बढ़िया है। यहां मैं थर्ड पॉइंट लिख रहा हूं, हम बात करें कि क्या कैलकुलेट करने की, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, मतलब बी की डेथ से पहले उसका कितना प्रॉफिट बनता है तो उसे वो भी देंगे अप टू द डेट ऑफ डेथ। तो मुझे बताओ जरा क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन है, बुक्स क्लोज तो कब हो गई थी, 31 मार्च को, हाँ कि ना, 31 मार्च 2018 को बुक्स क्लोज हो गई थी। उसके बाद भी 1 महीना, 2 महीने और 3 महीने के लिए वो फॉर्म में बना रहा था, क्योंकि उसकी डेथ कब हुई है, 30 जून को, हाँ कि ना। तो और जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद गिरे तो 3 महीने है, हमें उस 3 महीने की क्वेश्चन में सेल्स गिवन है भाई, बड़े ध्यान से देखो कितने की, 12 लाख की। ये 12 लाख की इस 3 महीने के हमारे पास क्या गिवन है, क्वेश्चन के अंदर सेल्स गिवन है। और आगे क्या कह रहे हैं, द रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग पास्ट 3 ईयर हैड बीन 10% ऑन सेल्स। इसका मतलब पुराना ट्रेंड 3 साल का जब देखा गया तो पता चला कि हम लोग सेल्स के ऊपर हर बार जितने की भी सेल्स करते हैं उसके ऊपर 10% का क्या कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। तो खुद बताओ वो जो डिसीज पार्टनर है वो फॉर्म में कितने पीरियड के लिए रहा है, 3 महीने के लिए रहा है। तो एग्जीक्यूटर यही तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव यही तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ठीक है जी, वो सिर्फ भले ही 3 महीने के लिए एडमिट हुआ है या कह लो 3 महीने के लिए फॉर्म से जुड़ा रहा है, तो 3 महीने का तो कम से कम प्रॉफिट दीजिए। तो अब हम उसका 3 महीने का कितना प्रॉफिट बनता है वो निकाल लेंगे। हमें यह पता है कि पिछले ट्रेंड से कि हमेशा जितने की भी हम सेल्स करते हैं, जितने की भी अमाउंट की सेल्स करते हैं उस पर हम लोग कितना मुनाफा कमाते हैं, 10%। तो इस बार 3 महीने का पीरियड जबकि वो जिंदा रहा है, तो उस 3 महीने के पीरियड की अगर मैं बात करूं तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट, किसका, शेयर ऑफ प्रॉफिट बी का, हाँ कि ना। क्वेश्चन कह रहे हैं जितने की भी सेल करते हैं, तो हमने तो 3 महीने के लिए कितने रुपए की सेल करी है, 12 लाख की। और ट्रेंड कहता है कि पिछले 3 साल से जितने की भी सेल करते हैं उस पर कितना परसेंट प्रॉफिट कमाते हैं, 10%। तो इसका मतलब 3 महीने के पीरियड में अगर सेल कितने महीने की, कितने रुपए की करी है, 12 लाख की, तो उस पर भी तो 3 महीने के लिए कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया होगा, 10%। इसका मतलब फर्म ने उस 3 महीने में कितने रुपए का मुनाफा कमा लिया होगा, 1,20,000 का। इसमें कोई दिक्कत है तो बताएं, यह आ गया 1,20,000। अब आप कहोगे सर शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये तो फर्म का शेयर है, बड़े ध्यान से समझना, ये फर्म का प्रॉफिट आया, ठीक है ना, देयरफॉर ये फर्म्स प्रॉफिट है, बड़े ध्यान से देखना, फर्म्स प्रॉफिट मतलब फर्म 3 महीने में कितना कमा लेती है, अगर वो 12 लाख की सेल करती है तो 10% के हिसाब से फर्म ने 3 महीने में कितना कमा लिया होगा, 1,20,000। देयरफॉर बीज शेयर, बस बड़ा आसान है, फर्म 3 महीने में कमा लेती है 1,20,000 और बी का शेयर है 2/6। तो बताओ सर बी का शेयर कितना बनेगा 3 महीने का, बी का शेयर बनेगा 40,000। इसका मतलब 3 महीने के लिए अगर मैं बात करूं तो बी कितना कमाता,
बी इतना कमा सकता था, ये बात ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने में कोई समस्या तो नहीं है, बिल्कुल आसानी से हमने निकाल लिया। हमें सेल्स गिवन थी और पुराना ट्रेंड गिवन था, तो उसी के हिसाब से हमने ये माना कि अच्छा 3 महीने में अगर हम लोग 12 लाख रुपए की सेल करते हैं तो उस पर भी 10% का प्रॉफिट कमाएंगे क्योंकि ट्रेंड यही कह रहा है। तो कितना कमा लेते 3 महीने में, 1,20,000 कमा लेते। तो बिल्कुल 1,20,000 अगर फर्म कमाती इनटू बी का जितना शेयर था तो बी कितना कमाता, बी 40,000 कमा लेता। ठीक है जी, आओ जरा बात करें पॉइंट नंबर 3 की और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर। यहां हमने प्रॉफिट्स की बात करी है अप टू द डेट ऑफ डेथ, और तीसरे में हम लोग बात करेंगे शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं गुडविल के बारे में, कह रहे हैं गुडविल अकॉर्डिंग टू हिज शेयर टू बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग ट्वाइस द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 ईयर। पिछले 3 साल के जो जो प्रॉफिट्स है, पहले मैं लिख लेता हूं, पहले 3 साल के जो प्रॉफिट्स है, पहले साल का प्रॉफिट का अमाउंट है 82,000, दूसरे साल का प्रॉफिट है 90,000, तीसरे साल का प्रॉफिट है 98,000। जैसा क्वेश्चन बोल रहे वैसे मैं कर रहा हूं, क्वेश्चन एवरेज प्रॉफिट नहीं कह रहा, बड़े ध्यान से समझना। एवरेज प्रॉफिट में हम लोग टोटल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ इयर्स करते हैं, लेकिन यहां वो कह रहा है टू बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग ट्वाइस द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स, मतलब प्रॉफिट्स का ट्वाइस कर देना, एवरेज प्रॉफिट का नहीं। मतलब यहां पर हमें अपॉन 3 नहीं करना, हमें टोटल प्रॉफिट्स की बात करें। तो टोटल प्रॉफिट अगर हम देखें तो ये हमारा आएगा 2,70,000, उसका ट्वाइस करने के लिए कह रहा है। ठीक है ना, उसका ट्वाइस मतलब इंटू 2 लेस 20% लेस, इसका अगर मैं ट्वाइस करूं तो आ जाता है हमारा 5,40,000 लेस 20%। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे मैंने करा, आप जब 5,40,000 में से 20% को लेस करोगे तो जो 20% का अमाउंट है वो आपका आएगा 1,08,000। कितना आएगा, अगर आप 5,40,000 का 20% करोगे तो आपका आएगा 1,08,000 इक्वल्स टू फर्म की गुडविल आ गई कितने की, 4,32,000। इसमें कोई दिक्कत तो बताओ जरा। क्वेश्चन जैसे जैसे बोलता था, क्वेश्चन ने क्या बोला था कि जो शेयर ऑफ गुडविल है वो कैसे निकलेगा पहले 3 सालों के प्रॉफिट का, पहले 3 साल के प्रॉफिट मिला के कितने हो गए 2,70,000, उसका ट्वाइस मतलब इंटू 2 लेस उसमें से 20%। तो ऐसे करने के बाद फर्म की गुडविल आ गई 4,32,000, बिल्कुल जैसा क्वेश्चन ने बोला हमने वैसे करा, 4,32,000। तो आ गई फर्म्स गुडविल, किसकी गुडविल आई है बड़े ध्यान से देखना, ये आई हमारी फर्म्स गुडविल, हाँ कि ना। देयरफॉर डिसीज्ड पार्टनर जो कि बी है, बीज शेयर ऑफ गुडविल बता सकते हैं हम जरा, बिल्कुल सर, फर्म गुडविल है 4,32 इंटू उसका शेयर है 2/6, ऐसे करके हमारा आंसर आ जाएगा 1,44,000। कितना आ जाएगा 1,44,000, मतलब बी को जो गुडविल मिलने वाली है वो मिलने वाली है 1,44,000 की, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, बिल्कुल क्लियर है। बस जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला हमने शेयर ऑफ गुडविल भी कैलकुलेट कर ली, 1,44,000 वो अमाउंट है जो कि गुडविल के नाम से मिलने वाला है किसको, बी को, ये बात ठीक है। तो यहां तक आप पहले नोट डाउन करें एक बार इसे अच्छे से। नोट करा, तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब वर्किंग नोट नंबर 1 जहां से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला बी का, वर्किंग नोट नंबर 2 जहां से जनरल रिजर्व का हिस्सा दिया हमने बी को, थर्ड पॉइंट में हमने उसकी डेथ के दिन तक का मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होने से लेकर जब तक वो जिंदा रहे, तो कितने महीने के लिए जिंदा रहा था, 3 मंथ्स के लिए, तो 3 मंथ्स के हिसाब से जो भी क्वेश्चन ने कहा हमने उसका शेयर निकाल लिया है और वहां पर हमने शेयर ऑफ गुडविल निकाल लिया। ठीक है, मैं इस पॉइंट को रब करूंगा। अब बात आती है कि सर गुडविल का हिस्सा तो हमने निकाल लिया, गुडविल कौन किसको देगा, भाई गुडविल तो हमेशा वही देंगे जिनको गेन हुआ होगा। सिंपल सी बात है, अगर मैं बात करूं ए बी और सी अगर पार्टनर्स हैं और बी अगर बी की अगर डेथ हो गई है
तो ये तो पक्का है कि ए और सी को हिस्सा मिलने वाला है। तो एक हिसाब से ए और सी यहां पर गेन कर रहे हैं। ए और सी क्या कर रहे हैं, दे आर द गेनिंग पार्टनर्स, दे आर दी, क्योंकि डिसीज पार्टनर का हिस्सा भी इनको मिलने वाला है बिल्कुल। और किस रेशियो में, एग्जिस्टिंग जो रेशियो है वही उनकी कौन सी रेशियो रहेगी, एक हिसाब से गेनिंग रेशियो। देयरफॉर गेनिंग रेशियो कितनी हो रहेगी, बिल्कुल 3:1। इसका मतलब ए और सी गेन कर रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 3:1, और गुडविल का हिस्सा गेनिंग पार्टनर्स कंपनसेट करने वाले हैं डिसीज्ड पार्टनर को। तो जिनको गेन हो रहा है उनसे पैसा लिया जाएगा, और जो फर्म में से चला गया जिसकी डेथ होगी उसको वो पैसा दिया जाएगा। तो ये जो 1,44,000 है, ये अमाउंट कंपनसेट करेंगे कौन, गेनिंग पार्टनर्स, जो कि कौन है, ए एंड सी। तो एंट्री के हिसाब से क्या बन जाएगी, अगर मैं आपको एंट्री बताऊं तो आप कहोगे सर A's कैपिटल डेबिट, C's कैपिटल डेबिट। इन दोनों की कैपिटल डेबिट इसलिए हो रही है क्योंकि दे आर द गेनिंग पार्टनर्स और इनसे पैसा लिया जाएगा, और किसको कंपनसेट कर दिया जाएगा, जिसकी डेथ हुई है, कौन है, 2B's कैपिटल। कितना अमाउंट पे करा जाएगा, 1,44,000। और कैसे इसकी कैलकुलेशन होगी, ए कितना कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, ए कॉन्ट्रीब्यूट्स 1,44,000 का कितना, जितना उसका बनता है 3/4, डेट कम्स टू कितना, 1,08,000। 1,08,000 कौन देगा, बी को, ए देगा। और अगर मैं निकालूं यहां पर सी का कॉन्ट्रीब्यूशन, सी कितना कंपनसेट करेगा, तो सी कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल्स टू 1,44,000 इंटू 1/4, डेट कम्स टू ₹36,000, डेट कम्स टू ₹36,000। मतलब ए कंपनसेट करेगा 1,08,000, 1,08,000, बी कॉन्ट्रीब्यूट करेगा 36,000, और ऐसे करके सारा पैसा मिल जाएगा उस पार्टनर को जो कि फॉर्म में से चला गया, जो कि डिसीज पार्टनर है मिस्टर बी। ये बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। बस हमारी सारी मेहनत हो चुकी है, सारे काम हमारे हो गए। अब आते हैं अपने मेन आंसर पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपने बी का कैपिटल अकाउंट बनाना है। बी का कैपिटल मतलब डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है। हाँ कि ना, बी का कैपिटल अकाउंट बनाना है और उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाना है। एग्जीक्यूटर का मतलब कुछ भी नहीं है बॉस, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो कि डिसीज पार्टनर पहले ही अपने नाम लिखवा देता है कि अगर इन केस फ्यूचर में मेरी कभी भी डेथ हो गई तो मेरा जितना भी पैसा बनेगा ना उस दिन तक, वो पैसा मेरा उसको पे कर देना। लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये हुआ, ठीक है ना। तो आओ जरा डिसीज पार्टनर का अकाउंट बनाए। डिसीज पार्टनर का अकाउंट अगर बनाए तो देखो जरा, डिसीज पार्टनर का नाम क्या है, बीज कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखना इसका नाम है डिसीज पार्टनर, जिसकी डेथ हो जाती है वो डिसीज पार्टनर कहलाएगा। मैं लिख देता हूं डिसीज पार्टनर। आओ जरा कैपिटल अकाउंट तो हमें बनाने आते हैं, बिल्कुल वैसे ही बनेंगे। स्टार्टिंग हमेशा बैलेंस बीडी से, जितना पैसा उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट करा हुआ था। कितना पैसा इन्वेस्ट करा हुआ था, 1,20,000। देखो बैलेंस शीट में दिख रहा है बी का कितना पैसा है, 1,20,000। लास्ट ईयर का क्लोजिंग हुआ होगा, इस पीरियड का क्या बन गया, बीडी। और सिंपल सी बात है, कैपिटल बढ़ती है क्रेडिट साइड में, मतलब जब जब बी को फायदा हो रहा होगा तो वो क्रेडिट में आएगा। फायदे देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसे मिला था बी को, तो उससे उसकी कैपिटल बढ़ी होगी। तो मैं लिख देता हूं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अमाउंट, 3,000। और फायदे, बस फायदे उठाते चलो, जनरल रिजर्व फायदा है, कैपिटल बढ़ी होगी कितने से, 40,000। और अभी हमने यहां पर जो मैंने रब करा वहां पर हम लोगों ने प्रॉफिट निकाला था उसकी डेथ की डेट तक का। हाँ कि ना, कितने निकाला था, 40,000 का निकाला था, बिल्कुल 40,000 का निकाला था। तो ध्यान रखो, वैसे तो पीएनएल अकाउंट साल के एंड में बना जाता है और हमें प्रॉफिट की जानकारी साल के एंड में होती है, लेकिन यहां पर क्योंकि वो एंड तक तो रुका ही नहीं है, वो तो 3 महीने बाद उसका हिसाब किताब फर्म को करना पड़ रहा है, लेकिन फर्म ने ये कैलकुलेट कर लिया था कि अगर वो 3 महीने तक है तो उसका कितना प्रॉफिट बनता है। तो क्योंकि ये एस्टिमेशन बेसिस पर काम हो रहा है, तो यहां पर मैं पीएनएल नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि ये एक इमेजिनेशन कहूंगा कि बल्कि है तो वैसे एक्चुअल अमाउंट, लेकिन जो अभी रियल में जनरेट नहीं हुआ, क्योंकि प्रॉफिट की रियल जानकारी तो मिलती है साल के एंड में जब हम लोग बुक्स को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। लेकिन हाँ, हम लोगों ने अपने पुराने ट्रेंड के हिसाब से पता लगा लिया कि 3 महीने के लिए अगर फर्म कमाती तो इतना कमाती, और उसके हिसाब से हम लोगों ने किसका शेयर निकाल लिया था प्रॉफिट का, बी का शेयर निकाल लिया था। तो कितना बी का शेयर निकाला था प्रॉफिट का हमने, बी का शेयर हमने 40,000 निकाला था। और कोई फायदा, बिल्कुल फायदा है,
बी को देखो, ये बी की कैपिटल यहां बड़ी हुई है, बीस कैपिटल क्रेडिट ही तो है गुडविल के नाम से। ए ने कितना कॉन्ट्रीब्यूट करा था, हम कहेंगे एस कैपिटल। ए की कैपिटल में से, ए की कैपिटल 1,08,000 से कम हुई थी, लेकिन इसका फायदा किसको मिल गया था, बी को, हाँ कि ना। उसी हिसाब से बाय सी कैपिटल, सी की कैपिटल के नाम से ए को कितना मिला था, बी को कितना मिला था, सॉरी 36,000। बस ये यार जर्नल एंट्री को मैंने यहां पर पोस्ट करा है, टू बीस कैपिटल, तो बी कैपिटल तो क्रेडिट ही हो रही है, बढ़ रही है, तो किस किस नाम से, बाय एस कैपिटल और बाय सी कैपिटल, 1,08,000 प्लस 36,000 दोनों को टोटल करोगे तो बी की कैपिटल इतना ही मिल जाएगा। उसकी गुडविल कितनी थी, 1,44,000 उसे मिलनी चाहिए थी, ये वाला अमाउंट मैं कह रहा हूं, तो ये उसको मिल गया। तो मैंने यहां पर सारे फायदे लिख दिए, बताओ हाँ कि ना। बैलेंस बीडी लिख दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया, रिजर्व्स लिख दिए, पीएनएल सस्पेंस जो जितना उसका 3 महीने का बनता था, और ए और सी की कैपिटल को डेबिट क्रेडिट इसलिए करा है, इससे यह समझ में आ रहा है कि उसकी गुडविल का हिस्सा भी हमने उसे पे करने की हम बात कर रहे हैं। तो सारे फायदे डाल दिए बिल्कुल हाँ कि ना, बस ये सारे फायदों का टोटल करो डिसीज पार्टनर का, तो फायदे टोटल करोगे तो आपका आंसर आएगा 3,47,000। मतलब डिसीज पार्टनर का कितना बनता है। अब डिसीज पार्टनर को तो पैसे दे नहीं सकते, इसलिए हम लोग 20 कैपिटल का अमाउंट जो चुकाएंगे, डेबिट करेंगे मतलब, वो करेंगे किसको, उसके एग्जीक्यूटर को। तो उसका नाम हो जाएगा टू बीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, बी एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। कितना पैसा उसे देना है, बिल्कुल जितना बनता है उसका, 3,47,000। यहां पर भी हम लिख देंगे 3,47,000, इसमें कोई दिक्कत हो बताओ। जितना उसका बनता था उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया। और आखिरी बात, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं बताओ उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बना के दिखाओ। तो बहुत आसान है एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना, सारी मुशक्कत तो हम लोगों ने वर्किंग नोट्स में करी और छोटी सी मुशक्कत हम लोगों ने यहां करी, तो तीसरे केस में कुछ बचे गए नहीं। आओ जरा किसका, बीज बीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, बीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट मतलब ये वो एग्जीक्यूटर है, मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव है जिसका बी, ये कहीं ना कहीं बी का रिश्तेदार होगा, ये बात समझना बिल्कुल। डिसीज पार्टनर अपनी नॉमिनेशन जब देता है, नॉमिनेशन मतलब उसे पता है कि फ्यूचर अनसर्टेन है, मेरे को अगर कल को कुछ हो गया तो भाई मेरा पैसा किसको मिलना चाहिए, तो वो नाम लिखवा देता है, नॉमिनेशन दे देता है कि भैया इनकेस अगर मेरी डेथ होगी तो मेरा पैसा इस बंदे को मिलना चाहिए। तो वो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है अकाउंट्स में, हम उसे क्या बोल रहे हैं, एग्जीक्यूटर। ये बात तो क्लियर है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ही। तो कितना पैसा बनता है उसका, इस एंट्री को पोस्ट करना है मेरे को, बस बताओ। तो यहां पर लिखा है बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस एग्जीक्यूटर्स, यहां लिख देंगे बाय बीस कैपिटल, हाँ कि ना, बाय बीस कैपिटल। ये बस एंट्री पोस्ट करी जा रही क्रॉस करके, बाय बीस कैपिटल कितना बनता है, 3,47,000। इसका मतलब एग्जीक्यूटर के नाम से फर्म की लाइबिलिटी बढ़ी हुई है, फर्म को पता है हमने एग्जीक्यूटर को इतना पैसा पे करना है तभी देखो क्रेडिट में आया हुआ, ये बात समझते हो, लाइबिलिटी क्रेडिट में ही बढ़ती है। इस समय तक ये दिख रहा है कि फर्म ने हाँ जी उसके पैसे चुकाने हैं, लेकिन क्वेश्चन की लास्ट लाइन से हमें पता चल रहा है दी एंड हिज एग्जीक्यूटर्स वर पेड आउट इन फुल। इसका मतलब फर्म ने एग्जीक्यूटर को ये नहीं कहा कि भैया हम तेरा पैसा आधा आज दे रहे हैं आधा कल दे देंगे या पूरा ही कल देंगे। फॉर्म कह रही है आज तेरा जितना भी हिसाब किताब बनता है, जो कि कितना था 3,47,000 का, तू पूरी पेमेंट हमसे आज ही कैश में पकड़ ले। तो फॉर्म जब पेमेंट करेगी तो फॉर्म की लाइबिलिटी क्या होगी, बीस की तरफ, बीस एग्जीक्यूटर की तरफ कम होगी, और लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट में, इसीलिए बीस एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं फुल पेमेंट, हाँ कि ना, पेमेंट हो रही है तो फुल पेमेंट लिख देंगे। फुल पेमेंट कितने रुपए की, जितने का बनता है उसका हिसाब किताब, 3,47,000। ऐसे करके हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं लगी, बहुत इजी। सबसे ज्यादा काम अगर कहीं करना पड़ा तो वो तो वर्किंग नोट्स है, हमेशा से मैंने आपको बोला अकाउंटिंग करते समय वर्किंग नोट्स ही हैं, वर्किंग नोट्स जिसको आते हैं, बाकी तो चीजें डालनी होती है। अब खुद बताओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैंने वो सब चीजें डाल दी जो हमने वर्किंग नोट्स में बनाई थी, बस निकाल ली थी हमने वर्किंग नोट से, बस उसको फिर हमने पोस्ट कर दिया, सारे फायदे क्रेडिट में लिख दिए, और जो जितना डिसीज पार्टनर का बनता था वो मैंने उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। और फिर एग्जीक्यूटर वेट कर रहा है, कह रहा है मेरी पेमेंट दो, फर्म ये पेमेंट ले। फर्म ने पहले यहां पर बाय 20 कैपिटल लिख के अपनी लाइबिलिटी को एक्नॉलेज करा, मतलब एक्सेप्ट करा कि हाँ जी हमने बी को इतने पैसे देने हैं, और फिर वहां पर बिजनेस ने, फर्म ने उसकी फुल एंड फाइनल पेमेंट कर भी दी। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 73 टीएस गरेवाल का, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें लगभग सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो ऑल दी बेस्ट, दोबारा अगर वीडियो देखनी पड़े तो देख लेना भैया, आप लोग घर जाके और देखें,
ठीक है जी, बस करिए इसे अच्छे से नोट करिए।